हमारे साथ है बीजेपी के विधायक जेपी पटेल जी। जेपी पटेल जी, आप लोग आज आप लोग ज्ञापन भी सौंपा, किन किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा? निश्चित रूप से कल जो काला विधेयक, काला कानून विधेयक के माध्यम से लाने का काम सदन में किया गया, आपने देखा होगा कि किस तरह से छात्र, एक तो झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि 200, 400, 500 रुपया जमा करके उन लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। और ये एक पदाधिकारियों को मन बढ़ाने के लिए, आप देखे होंगे कि किसी को शक लगे या फिर किसी तरह का एग्जामिनेशन सेंटर में अगर किसी का आप लेट पहुंचते हैं तो एडमिट कार्ड और बहुत सारा चीज़ पर चर्चा होता है, अगर उसके साथ कुछ बहस हो जाए तो आपको उस पर सजा कर देगा, जेल कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं ये आनन फानन में लाया गया विधेयक है, निश्चित रूप से जो झारखंड हित में नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग का कहना है कि आप युवाओं के साथ बीजेपी लगातार राज के युवाओं से खिलवाड़ करने का, इसलिए गए थे राजभवन मिलने के लिए आप लोग? हम लोग युवा के पक्ष में हैं। युवा मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, आज 5,000 लोगों को भी नहीं दे पाए हैं। इन्होंने बोला था कि 75% आरक्षण यहाँ पर जितने भी कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ, उद्योग फैक्ट्री संचालित है, 75% यहाँ के युवा को मिलेगा जगह, वो कहाँ गया? राज्य सरकार के युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। जेपी जी बैठे लंबोदर महतो कि उनका कहना है पूर्वी को एसटी में का दर्जा दिया जाए, उन आदिवासी में बनाया जाए, इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए लंबोदर जी बैठे हैं, लंबोदर जी 2019 में विधानसभा चुनकर आए हैं, मैं 2011 में आया हूं, और निरंतर मैं इस बात को हमेशा, चाहे वह प्रश्न ध्यान आकर्षण हो, तरांकित हो, गैर सरकारी संकल्प हो, इन प्रश्नों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से निरंतर सरकार से मांग हमने किया है। क्योंकि यहाँ के कुर्मी जो आबादी है, आप इसे छिपा नहीं सकते, और निश्चित रूप से 1930 तक यहाँ के कुर्मी आदिवासी अनुसूचित जनजाति में थे, 1950 के बाद अचानक बिना कारण का, बिना ये का, उस अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया गया है। तो हम लोग ने सरकार से मांग कर रहे हैं कि निश्चित रूप से राज्य सरकार, हेमंत जी को पहल करना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान जो झारखंड है वो 5वीं अनुसूची में है। जब कुर्मी समुदाय को इसमें शामिल किया जाएगा तो यह राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल हो जाएगा, और राज्य अग्रसर विकास की, जो सर्वांगीण विकास की कल्पना लोग करते हैं, उस विकास की गाथा को झारखंड लिखेगा। अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे आदिवासी दर्जा दिलाने के लिए? हम लोग निश्चित रूप से अपनी बात को रख रहे हैं, चूंकि हम एक चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, सदन से लेकर जहाँ तक हम लोग को बात होता है, हम लोग हर बात को रख रहे हैं। अब राज्य सरकार का काम है, चूँकि 2004 में यहीं पर अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यहाँ के TRI जो है, पदाधिकारी जो बैठते हैं, उन लोग जो है गलत रिपोर्ट हमारे समाज के बारे में लिखा है। मुझे लगता है कि मैं मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, जो TRI ने यहाँ के कुर्मी समाज के बारे में जो गलत रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा है, उसको सुधार करके, संशोधन करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। चूंकि हेमंत सोरेन जी जानते हैं कि झारखंड आंदोलन में कुर्मियों ने कितनी शहादत दी है, मैं खुद टेकलाल बाबू का बेटा होने के नाते कह सकता हूं कि टेकलाल बाबू, विनोद बिहारी मातो, निर्मल मातो, शक्तिनाथ मातो जैसे सैकड़ों लोगों ने इस झारखंड के लिए पूरा जीवन खपा दिया था। चलिए, ये तुम्हारे साथ जेपी पटेल, कुर्मी को आदिवासी दर्जा दिलाने के लिए उनका अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। हम लोग शुरू से, उन्होंने लंबोदर महतो के बारे में कहा कि वो तो 2019 में चुन के आए, लेकिन हमसे लगातार हम चुन के आ रहे हैं, हम कुर्मियों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, अगर आंदोलन करना पड़ा तो जरूर आंदोलन करेंगे कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए। सहयोगी उदय के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।